हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ रिगार्डिंग द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स सीएस एग्जीक्यूटिव का। अगर आपका अभी अपकमिंग एग्जाम है तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो भी एग्जाम्स ICSI कंडक्ट कर रहा है तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप आई एम श्योर रिफर करते होंगे एग्जाम अपेयर करने से पहले, कि भाई पिछले पेपर में इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा। जैसे अभी December 22 और June 23 के एग्जाम्स आगे अपकमिंग है, तो June 22 का जो रीसेंट पेपर ICSI ने कंडक्ट किया, उन पेपर्स में उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे, अच्छा कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा और इनमें आपको लिखना क्या था, करेक्ट आंसर क्या है। बिकॉज क्वेश्चन पेपर चलो आपने एक बार देख भी लिया, ICSI की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, कौन से क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स मेंशन करने थे क्या नहीं, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में यूजुअली रहते हैं। प्रीवियसली भी मैंने कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस अपने चैनल पे अपलोड किए थे और उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सबकी तरफ से आया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि उन्हें पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए और उस पर क्लैरिटी चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, या जो सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज फर्स्ट पेपर ऑफ योर मॉड्यूल 1 एंड इट इज ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, जिसे शॉर्ट में हम JIGL बोलते हैं। तो JIGL का जो रीसेंट एग्जाम हुआ था June 22 का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब इसके लिए कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए, मैं वो भी पहले क्लियर आउट कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन पेपर है ऑब्वियसली। अच्छा, इंस्टीट्यूट इसके साथ साथ आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मे बी आप में से कुछ लोग इसके लिए अवेयर ना होंगे, एक गाइडलाइन आंसर करके एक कंटेंट है जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे भी सिंपली जाकर टाइप करेंगे CS एग्जीक्यूटिव पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स गाइडलाइन आंसर्स, तो ICSI के थ्रू ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गाइडलाइन आंसर्स आपको एग्जाम वाइज मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर June 22 के लिए हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो June 22 की जो गाइडलाइन आंसर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, साथ साथ ये कंटेंट चलता जाएगा और हम यहाँ पे देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा है, कितना वेटेज किस चैप्टर को दिया गया है, ये सब पे बात होगी। अनदर आस्पेक्ट इज, जो भी चैप्टर्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, जो वेटेज मैं आपको बताने वाला हूँ, वेटेज फिक्स नहीं है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, दो सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको चॉइस मिलती है, एक के सामने एक, जैसे 2A वाला एक सेक्शन है, क्वेश्चन 2 वर्सेज 2A, 6 वर्सेज 6A, ऐसे आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, मैं पहले क्वेश्चन पेपर आपके सामने एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका June 2022 का न्यू सिलेबस का JIGL का क्वेश्चन पेपर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे June 22 का। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी है, टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सामने देखिए, आपको चॉइस मिल रही है 2A की, तो जैसे मैंने आपको बोला कि दो में से आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो चॉइस रहेगी। ऐसे ही आगे जाके जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन 6 के सामने 6A, ये भी आपको चॉइस में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो सेक्शंस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी के सारे सेक्शंस जो है वो मैंडेटरी है और वो सारे आपको ऑप्ट करने होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन आंसर्स ये देखिए इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल है और इसके अंदर आपको सारे ही पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। ये सेशन वाइज मॉड्यूल वाइज अवेलेबल है। June 22 की जो ये गाइडलाइन आंसर आपके सामने है, ये मॉड्यूल 1 के चारों पेपर्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं और सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने जो रेडी किए, जिसके बेस पे आपके आंसर शीट्स वेरीफाई होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है JIGL, उसका कंटेंट यहाँ पे आपको दे रखा है। तो कंटेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस इसका बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर में उन्होंने कितना वेटेज दिया था, वो एक एक्सेल शीट के फॉर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने। अब चैप्टर्स के नाम ऑब्वियसली आपको पता है, एग्जाम आ रहा है तो आपने प्रिपरेशन अभी तक तो कर ही लिया होगा, तो चैप्टर्स के नाम आपके लिए फेमिलियर है। अब वेटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट के फॉर्म में भी मैंने प्रेजेंट कर रखा है। ऑन दी अदर हैंड, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर में से पूछे हैं इस बार, वो भी आपके सामने है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई चैप्टर्स जो हैं उसका वेटेज फिक्स नहीं है, तो इस बार अगर फर्स्ट चैप्टर में से आप देख रहे हैं 13 मार्क्स का कंटेंट पूछा है, तो अगली बार 13 मार्क्स का आएगा और इसको तो बहुत पक्का कर लेंगे, पूरी मेहनत इसी पे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये वेरी होता रहता है। ऑन एन एवरेज मैं स्टूडेंट्स को जनरली ये गाइड करता हूँ कि 17 चैप्टर्स हैं। अब जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछे जा रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का वेटेज या 5 to 6 मार्क्स का वेटेज पर चैप्टर आप मान के चलो। 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ जिनका वेटेज 12 to 15 मार्क्स हो सकता है, तभी जाके वो एवरेज बनता है। 100 मार्क्स का पेपर एंड दो ऑप्शन वाले सेक्शन 16 मार्क्स ईच, दैट इज 132, तो वैसे आप एवरेज करेंगे ना तो 17 into 6 is 102,
एंड प्लस कुछ चैप्टर्स में से अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका वेटेज 12 मार्क्स के प्लस जा रहा है, तो ऐसे करके आपका एक एवरेज पेपर बनता है। तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ उन्होंने पूछा है, आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे आपके सामने। अब देखिए, जो चैप्टर्स में से इस बार वेटेज ज़्यादा गया है उसमें आपका सोर्सेज ऑफ लॉ है, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा ट्रिकी। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, 18 मार्क्स का कंटेंट यहाँ से पूछा गया इन टोटल। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिंपल चैप्टर, डबलईटी वाला अपना चैप्टर जो रिपीट हो रहा है, आपको ध्यान नहीं है, इसमें से आप देख सकते हैं कि टोटल 12 मार्क्स, 8 मार्क्स का भी एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया है, सो दैट इज ऑल्सो कैरिंग अ गुड वेटेज। इंडियन पेनल कोड टेक्निकल चैप्टर है, सीआरपीसी टेक्निकल चैप्टर है, उसको भी वेटेज दिया गया, और बाकी कुछ टॉपिक्स को 8-8 मार्क्स के वेटेज दिए। रिमेनिंग ऑल आर 4 मार्क्स स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से आ रहा है। तो ये एवरेज आपके सामने है, एक एनालिसिस आपके सामने है, इससे आपको पेपर के एक स्टैंडर्ड पैटर्न का आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर बन रहा है। तो एक भी चैप्टर अगर आप स्किप करके जा रहे हैं ना, तो यहाँ दिख रहा है कि 4 मार्क्स तक आपके चले गए। अब अगर वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाले सेक्शन में निकल गया लकीली, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज तो आपको 4 मार्क्स का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये वेटेज था आपके सामने। अब हम चलते हैं पेपर के ऊपर, डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है उसके बेस पे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे आपको आंसर लिखना चाहिए था इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दैट इज रिगार्डिंग द सोवरेन पावर ऑफ मेकिंग लॉज, इट शुड बी वील्डेड नॉट टू गारंटी द सेल्फिश डिजायर्स ऑफ इंडिविजुअल बट कॉन्शियसली टू सिक्योर द कॉमन गुड। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक आंसर समझाने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको रिलेट करा रहा हूँ कि कहाँ से पूछा है। बिकॉज देखिए, आप एग्जाम का अपीयर करने वाले हैं अभी अपकमिंग दिसंबर में जो होगा, आपने प्रिपरेशन आई एम श्योर किया होगा, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं रिलेट करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा था और इसमें आपको क्या पॉइंट्स या कौन सा आंसर लिखना था, तो फोकस उसी पे रहेगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि बेंथम का जो स्टेटमेंट है उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यहाँ बोला हुआ है कि भाई कोई भी लॉ इस तरीके से ना बनाया जाए जिससे किसी इंडिविजुअल के पर्सनल डिजायर्स फुलफिल होते हो, इट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन लॉ फॉर द कॉमन गुड, और सबकी भलाई के लिए कानून बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ पे होनी थी। अब बेंथम के लॉ के बारे में यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ से, तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ में आंसर आपके मॉड्यूल में या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आपके नोट्स में अवेलेबल है। सो दिस इज एज पर द चैप्टर ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ जो आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो बेंथम का स्टेटमेंट और उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये डिस्कशन या वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम उतना उसको आगे तक लेके नहीं जा रहे। क्वेश्चन नंबर 1B की बात कर रहे हैं, सो दिस इज रिगार्डिंग द फेडरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले में एक आंसर है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने देखा है कि फेडरल पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा हैं, यूनिटरी बहुत कम है, तो वो आंसर यहाँ पे रिलेट किया हुआ है और बिल्कुल घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट यहाँ पे बात हुई है, स्पेसिफिक वो फेडरल स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है और इधर उधर की बातें करने की नीड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1C, यहाँ पे ये अगेन क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में से आया और यहाँ पे क्लासिफिकेशन या जो हम बात कर रहे थे वैलिड या लीगल क्लासिफिकेशन या लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था उस पर बात हो रही है, और बोला कि अगर आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो लेजिटिमेट होना चाहिए और उसका कुछ रैशनल नेक्सस या कुछ लिंक होना चाहिए। ये टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा, उसके बेस पे इस केस में बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्लासिफिकेशन किया गया था मेडिकल कॉलेज की सीट को, वो रेलेवेंट नहीं लगा और बोला कि इसका कोई नेक्सस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है और जो आपने किया है वो गलत है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेडिकल सीट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज और पॉपुलेशन वाइज बांटा था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी पॉपुलेशन है उसके रेशियो में सीट्स, वो क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं ट्रीट किया और उसके बेस पे अपना डिसीजन सुनाया। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1D की बात करें, सो दिस इज रिलेटेड टू IPC, ये IPC और CRPC के बेसिस पे पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है CRPC का है लेकिन उसमें इंडियन पेनल कोड का रेफरेंस है। तो बोला इन ब्रीफ द पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेज अंडर IPC एंड एनी अदर लॉ एज लेड डाउन इन द प्रोसीजर ऑफ CRPC। तो देखते हैं CRPC के प्रोसीजर में क्या बोला हुआ है। रेफरेंस दिया हुआ है, वन ऑफ द पावर्स इज टू ट्राई द ऑफेंस, ठीक है, कोर्ट के पास अलग अलग पावर्स हैं, उसमें से एक पावर है ऑफेंसेस का ट्रायल करने का, इसको इन्होंने IPC और बाकी लॉज में डिवाइड किया हुआ है, ये बोला हुआ है। सॉल्यूशन देखें क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ CRPC एनी ऑफेंस अंडर द IPC मे बी ट्राइड बाई द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशंस और बाई एनी अदर कोर्ट बाई सच ऑफेंस एज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, वेर एज एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी ट्राइड बाई द कोर्ट मैंशनड इन दैट लॉ एंड इफ नॉट मैंशनड इट मे बी ट्राइड बाई द हाई कोर्ट। तो बताया कि कौन से ऑफेंस को कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है,
तो बोला सीआरपीसी में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें अगर वो ऑफेंस मेंशनड है तो आईपीसी के हिसाब से हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर किसी लॉ में मेंशनड ऑफेंस है तो उसके लिए जो सूटेबल कोर्ट के बारे में वहाँ मेंशन किया होगा वो इसको ट्राई करेंगे, और अगर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये रेफरेंस भी है। आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन आपका जो था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन टू की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है दैट रिलेट्स टू द चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था 4 मार्क्स का वेटेज, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला आंसर आपके ध्यान में होगा ऑब्वियसली। इसके कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने जो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस देखा था उसके बेसिस पे है कि आप अपने प्रीमाइसिस में कोई भी गलती करें और उससे आपके नेबर्स को नुकसान हो तो उसमें गलती आपकी मानी जाएगी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, नेचुरल यूज ऑफ लैंड, प्लांटिव का खुद का कंसेंट, थर्ड पार्टी का एक्ट जिसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, स्टैचुटरी अथॉरिटीज जो अपना काम करती हैं उनको अलाउ किया जाता है, एक्ट ऑफ गॉड, ये पूरा आंसर एज इट इज आपके मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो यही आपको एक्सेप्शंस में मेंशन करना था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेडन्स रूल की। हेडन्स रूल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज जो आपका थर्ड चैप्टर है उससे रिलेटेड, इसको मिस्चिफ रूल भी कहा जाता है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है तो उसमें आप उस सॉल्यूशन की तरफ जाएं जो रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है और मिस्चिफ को जो है सप्रेस करता है। तो एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द मिस्चिफ, ऐसा एक सेंटेंस वहाँ पे यूज़ किया गया, और हेडन्स रूल का आंसर डायरेक्ट है, 1584 का केस ही आपके सामने है, तो ये आपको मेंशन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2C। रेशियो डेसिडेंडी और ऑर्बिटर डिक्टम की बात हो रही है। अब ये आपके सोर्सेज ऑफ लॉ वाले चैप्टर में से अगेन एक आंसर आ गया। रेशियो डेसिडेंडी मतलब जो भी डिसीजन दिया जा रहा है वो रैशनल बेसिस पे होना चाहिए। ऑर्बिटर डिक्टम का मतलब है सेड बाय द वे, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द केस और द जजमेंट इटसेल्फ, बट जजमेंट देते टाइम कुछ एडिशनल पॉइंट्स कोर्ट ने सिर्फ क्लैरिफाई किए। तो ये बेसिक डिफरेंस था। आप दोनों टॉपिक्स को वन बाय वन समझा दें जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है तो भी इट इज ओके, टेबुलर फॉर्म में जाना मैंडेटरी नहीं है, तो ये आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो एज सच स्टैंडर्ड आता ही है। यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन 26 बोला, अगर एक से ज्यादा एक्ट्स में या सेक्शंस में आपको ट्राई किया जा रहा है या आप पे चार्जेस लग रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि सजा सुनाते टाइम किसी भी एक एक्ट पे स्ट्रेस दे के उस हिसाब से आपको आपके ऊपर सेंटेंस पास किया जा सकता है। तो यहाँ विच एवर इज हायर, लोअर या एग्रीगेट ऐसा कुछ नहीं है। तो मल्टीपल एक्ट्स या मल्टीपल सेक्शंस जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं और जो भी कोर्ट में जिसके ऊपर केस चल रहा है जो डिफेंडेंट पार्टी है और वो साबित हो जाते हैं, तो कौन से एक्ट्स के बेसिस पे सजा सुनानी है, दैट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द पावर टू डिसाइड। और ये यहाँ पे जनरली उन्होंने इस सेक्शन में रेफरेंस में दिया हुआ। ठीक है, तो डबल सजा नहीं होगी लेकिन दोनों में से ज़्यादा सूटेबल होगी वो कोर्ट सिलेक्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 2B हमने देखा था हेडन्स रूल, 2D भी कम्प्लीट। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो कम्प्लीट हो गया। इसके सामने 2A है। सबसे पहले इसमें बोला हुआ है लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी। हमने देखा था कि कोर्ट से टाइम जितना भी लगेगा कॉपी ऑब्टेन करने में वो हमारे लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं होगा। सेक्शन 12 का रेफरेंस था, उसमें भी ये बात बोली हुई है। तो लिमिटेशन एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे भी उन्होंने क्लैरिफाई की जैसा मैंने आपको बताया, कोर्ट से कॉपी जब तक मिलेगी नहीं फर्स्ट, जो भी आपने जहाँ पे भी केस फाइल किया होगा, तो अपील आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कोर्ट की फिजिकल कॉपी या जजमेंट की कॉपी आपके पास नहीं आती है। अब वो कॉपी आने में जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, दैट इज नॉट योर हेडेक, उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती जो है वो कोर्ट की है। गलती भी नहीं बोल सकते, प्रोसेस टाइम है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। और आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अगर अपील करने के लिए आपको 30 डेज का टाइम दिया है तो 30 डेज का टाइम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कोर्ट से आपको कॉपी नहीं मिल जाती। तो ये आपके सामने, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है जब वो अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 41B का रेफरेंस है ऑफ CRPC। तो ये CRPC से पूछा हुआ आंसर है। तो ये प्रोसीजर आपको दे रखा है, पहले तो बोला क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए किसको अरेस्ट करना है क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट आपको प्रिपेयर कर लेना होता है, एक विटनेस का होना ज़रूरी जिसके सामने आपको अरेस्ट किया जाए, ये सब चीज़ें होंगी। जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसका एक सिग्नेचर ले सकते हैं, फॉर्मल प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर वाला रीडिंग आंसर है जो CRPC के रेफरेंस में है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं पूरे आंसर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ से पूछा है। नेक्स्ट 41D का रेफरेंस है, उसमें भी बोला है कि एक अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या होते हैं। तो वही बात जो आपने मूवीज़ में सुनी होगी कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, तो वो राइट उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये बोला हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखें। द डिफेंडेंट हैज़ 4 रेमेडीज अवेलेबल, ये एक्स पार्टे वाला आंसर है।
कि अगर एक्स पार्टे ऑर्डर आपके खिलाफ सुना दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको सेट असाइड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ को अपील कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये इन्होंने सीपीसी वाले से पूछा हुआ है, एक बार इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सीपीसी वाला ये क्वेश्चन है, सीपीसी के चैप्टर में आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ एक्स पार्टे ऑर्डर, इसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2A का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज़ फ्रॉम आईपीसी, इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, डायरेक्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ये टॉपिक कवर हो रहा है। विद इन द टेरिटरी, विद इन द कंट्री अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आएगा, ये टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, ये बात हो रही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं, 3A की बात हो रही है। इसमें सबसे पहला आंसर जो है वो प्रेसिडेंट्स को लेके है, और प्रेसिडेंट्स के बारे में आपने सोर्सेज ऑफ लॉ में डेफिनेटली पढ़ा होगा, वहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, वहाँ कोर्ट अपना जजमेंट अपने हिसाब से दे सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेसिडेंट। और इसमें डिक्लेरेटरी और परसुएसिव और इस टाइप के प्रेसिडेंट्स की बात की हुई है, तो वहाँ से आपको ये डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली मिल जाएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 आ गया आपका, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, तो NCLT के पास क्या पावर्स हैं इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो ये आपको डेफिनेटली वहाँ से मिल जाएगा, और इसके लिए आप चैप्टर 12 जो है वो रेफर कर सकते हैं, ये रेफरेंस है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3C, दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन CRPC। यहाँ बोला है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस इशूड बाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये आपके सामने ये लिस्ट है, सेक्शन 133 का रेफरेंस दिया हुआ है। तो कोई भी पब्लिक प्लेस में, रोड पे, कोई भी ऐसी प्रीमाइसिस जो कॉमन यूज़ के लिए होती है, वहाँ पे कोई आपने बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी क्रिएट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर सेक्शन 133 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या DM या SDM है उनके पास होता है, उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 3D, ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा है, बहुत ही इजी आंसर, अगेन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और 3D में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो रेफरेंस का सेक्शन है यहाँ पे, इट इज सेक्शन नंबर 79, और ये मॉड्यूल में डायरेक्ट आंसर अवेलेबल है। जो भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर वेब एप्लीकेशन जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके डेटा को सेफली और सिक्योरली एक नोड से दूसरे नोड पर पहुँचाने की। और अगर वो अपनी कमिटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करते, या जो भी बेसिक सिक्योरिटी वो कमिट कर रहे हैं प्रोवाइड नहीं करते, तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कॉम्पनसेशन की डिमांड हो सकती है, बट ओनली इफ नेग्लिजेंस इज फाउंड। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था टेक्नोलॉजी सपोर्ट, अगर उन्होंने वो दिया है उसके बाद भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो भाई ये रिस्क तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3D आपका जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो PIO से लेके डायरेक्ट सेक्शन 20 पूछा हुआ है, डायरेक्ट आंसर है आपके मॉड्यूल में, और बोला PIO अगर कोई गलतियां करते हैं तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी फाइन लग सकता है, ₹250 पर डे से लेके 25,000 तक मैक्सिमम। बहुत सिंपल आंसर आपके सामने फ्रॉम RTI एक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4B की, दिस इज फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट वाला आपका चैप्टर है, चैप्टर 15, वहाँ से रेफरेंस है। इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एज कंटेंट इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस द स्टैम्प ड्यूटी। हमने देखा था कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो शेड्यूल के हिसाब से लगेगी, तो आपके डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई किया जाएगा किसी एक कैटेगरी में, और क्लासिफिकेशन में सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इस फॉर्मेट पे ज़्यादा फोकस होता है। तो बोला फॉर्मेट आप दिखा क्या रहे हो मैटर नहीं करता, अंदर जो कंटेंट है उसका सब्सटेंस क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। तो ये क्लासिफिकेशन करते टाइम सब्सटेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, ये बोला है। इसके बाद जो आंसर है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में से है, लीज के बारे में बोला है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप करते हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो किस तरीके से करवाएंगे, और कितने ड्यूरेशन के लिए लीज अग्रीमेंट बनता है, ईयरली बेसिस पे होता है, एक साल से ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं ईयरली रेंट रिजर्व या एज अ डिपॉजिट रखवाया जाता है, तो ये सब चीज़ों में रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा, उसकी लिस्ट दे रखी है। तो दिस आंसर इज़ फ्रॉम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट आंसर अगेन RTI एक्ट में से आ गया, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये चैप्टर डायरेक्टली पूछा है, इसमें कुछ घुमा फिरा के कंटेंट नहीं दिया, आप सॉल्यूशन यहाँ से भी देख सकते हैं, आप मॉड्यूल में से रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर है, मैं डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन 5 इज रिगार्डिंग द रूल ऑफ टॉर्ट अगेन, और 8 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया, जो हम बात करते हैं राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का, हमारा फेमस केस,
अब इतना डायरेक्ट आंसर, इतना सिंपल आंसर और सीधा आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आराम से आपको स्कोर करने के लिए मिला होगा। आप जितना चाहें कंटेंट इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का वेटेज है। पूरा केस समझा दो आप, और भी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आपको अगर रिलेट करवानी है, कुछ एक्सेप्शंस भी अगर सिर्फ नेम करने हैं ना, तो एटलीस्ट आप नेम कर सकते हो, भले डायरेक्ट पूछा नहीं है, आपको लेंथ थोड़ा मेंटेन करनी है, तो दिस इज पॉसिबल। 5B अगेन 8 मार्क्स का आंसर, ये तो मैं काफ़ी बार मेरे बैच में पढ़ाते टाइम भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपके ध्यान में आ रहा होगा। आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है। मैं बहुत बार ये पढ़ाते टाइम रिपीट करता हूँ कि यार फंडामेंटल राइट्स पे तो बहुत डिस्कशन होता है, कहीं अगर आपसे इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि भाई ड्यूटीज भी तो कुछ है आपकी या नहीं, तो ड्यूटीज आप कैसे समझाओगे? तो ऑब्वियसली इस आंसर को आपको पढ़ के जाना चाहिए। और देखिए 8 मार्क्स में क्वेश्चन रिसेंटली पूछा हुआ है, तो अगर आपने अभी आप अटेम्प्ट दे रहे हो, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन स्टिल एक बार हमें पढ़ के जाना चाहिए। कोई भी चीज़ को ग्रांटेड मत ले लेना कि चलो ये तो अभी जून में पूछा है, दिसंबर में सेम थोड़ी ना रिपीट होगा, तो ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत रखना आप। हाँ चांसेस कम है, वो ऑब्वियसली कुछ नया पूछेंगे, लेकिन स्टिल आपको प्रिपेरेशन तो पूरा रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, बहुत ही क्विकली इसको खत्म करते हैं। 6 में पहला आंसर बहुत डायरेक्ट, एजेस्ड इन जेनेरिस पूछा है, तो ये है फ्रॉम द सेम जॉनर, सेम कैटेगरी, सेम स्पीसीज, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के रूल्स में, प्राइमरी रूल्स के अंदर हमने बात की हुई है। नेक्स्ट आंसर जो है वो एडमिन लॉज में से, दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, तो पावर, अब्यूज ऑफ पावर, डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेकिंग में जो मिस यूज ऑफ पावर होता है उसके बारे में बात की है, और एडमिन लॉज में डायरेक्ट टॉपिक काफी डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कंपनीज कैन नो लॉन्गर क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ पजेसिंग द नेसेसरी मेंस रिया फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेंस रिया गिल्टी माइंड में, एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर तो चार्ज लग ही सकता है, तो गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन, CRPC, IPC, ये सब का मैटर है। IPC का रेफरेंस है यहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग एक केस लॉ के बेस पे भी उन्होंने समझाया और बोला है कि पर्सन वर्ड जो यूज़ होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल एज वेल एज रियल पर्सन सभी लोग इंक्लूड होंगे, और लायबिलिटी जो है वो आ सकती है। अब कंपनी के केस में गिल्टी माइंड या इंटेंशन की लायबिलिटी उनके ऑफिस बेयरर्स, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स अगर वो पर्सनली इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर आती है, ये एक बेसिक बात हम देखते हैं। क्वेश्चन 6D IPC में पूछा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर, सेक्शन नंबर 420, जो 400 BC हम बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर केस है, तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आई होप ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। इवन जो केस है वो भी आपके मॉड्यूल में से ही रिपीट किया हुआ है, तो ये रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, ये IPC का मैटर है। 6A के ऊपर चलते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज फ्रॉम एविडेंस एक्ट, अगेन एक पॉपुलर आंसर एविडेंस एक्ट का, एडमिशन कन्फेशन का कंपेरिजन ये आपको करना है, तो डायरेक्ट कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, आर्बिट्रल अवार्ड, ये आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट का क्वेश्चन है, और आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर क्या क्या होता है, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, साइंड डेटेड होना चाहिए, उसमें कंटेंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो ये डायरेक्ट आंसर आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में मिलेगा, आप साथ साथ में रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच आर द केसेज रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी दैट कैन बी इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ CPC, ठीक है, CPC का क्वेश्चन, और इसके बाद एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 16 आपके सामने है CPC का, इसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, रिलेटेड टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन विच आर प्रिस्क्राइब बाई एनी लॉ, फॉलोइंग सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विच विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। यूजुअली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर जो भी मैटर होता है वो जिस जगह पे वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, सिचुएटेड है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट आएगा वहाँ पे आपको केस फाइल करना होता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर यहाँ पे भी अगेन बोला है फ्रॉम CPC, तो ये आप यहाँ से एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में बात हो रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की, जिसमें फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, ये क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है, अगेन आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में ही सेक्शन नंबर 3 में आपको फैक्ट के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ से आप इसके बारे में अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, लॉजिकल फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, इररेलीवेंट फैक्ट, ठीक है, तो फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये सारे टॉपिक्स पर वहाँ पर बात की हुई है। तो ये 6A वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पर कम्प्लीट है, और इसके साथ हमने एक बार रेफरेंस ले लिया कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे हुए हैं, तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी, एक रेफरेंस मिल गया होगा, आप डेफिनेटली गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक में नीचे इसका रेफरेंस या जो गूगल लिंक है वो रख दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी पेपर्स के भी सॉल्यूशंस जो मैं अपलोड करूंगा चैनल पे, तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से
क्लियर आउट हो गई होंगी। चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ उसके सॉल्यूशंस के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।